Hey, what's up guys, welcome back to Tech Dot. दोस्तों, Android 10 Evaluation X की जो ROM है वो हमने अपने Realme 2 Pro में इंस्टॉल कर ली है और सेम इंस्टॉलिंग प्रोसेस और सेम फीचर्स आपको Realme 3 Pro, 5 Pro, Realme X, XT में देखने को मिलेंगे. अच्छी बात है, आपको Google Play का जो सिस्टम अपडेट है वो भी सितंबर मंथ का देखने को मिलता है, बट पिछले साल का मिलता है, और सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है आपको इसी ईयर्स का और सितंबर मंथ का. अच्छी बात है दोस्तों, मैं इस ROM को 3-4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एज अ डेली ड्राइवर, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे इस रॉम में बेस्ट लगे, और बहुत कुछ आपको इसमें नया देखने को मिलता है. कोई भी दिक्कत आपको इस रॉम में होने वाली नहीं है, और कुछ खास फीचर्स आपको अलग रॉम से देखने को मिलते हैं इस रॉम में. तो इस वीडियो में पूरा फुल रिव्यू देने वाला हूँ, सेम यही फीचर्स आपको जो रियलमी के अदर डिवाइसेज हैं उनमें देखने को मिलेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा. तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. अब ओवरऑल गाइस, डिवाइसेस की जो फर्स्ट लुक है कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, जहां पर ड्रॉअर का सपोर्ट है और साथ में आपको लाइव वॉलपेपर का भी सपोर्ट इस रॉम में देखने को मिल जाता है. आपको अगर इसमें हैंगिंग लैगिंग इशू की बात करें तो आपको थोड़ा सा भी लैगिंग और हैंगिंग इशू इस रॉम में देखने को नहीं मिलेगा. साथ में एंड्रॉयड 10 के गैजेट्स आप लोगों को इस रॉम में डिफ़ॉल्ट देखने को मिलते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट आप लोगों का सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें भी कोई इशू होने वाला नहीं है. बट मैं कुछ आपको ऐसा फीचर्स और जो मुझे अच्छा लगा इस रॉम में, वो अगर आप लोग अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हो तो आपको जो ब्लर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, अल्टीमेट देखने का लगता है, नेक्स्ट लेवल का ये ब्लर देखने को लगता है. साथ में अगर आप लोग इस रॉम को यूज़ करोगे और अगर आपके डिवाइसेस आपको पूरा पिक्सल की लुक और पिक्सल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा. साथ में इस रॉम में आपको जी एप्स इंस्टॉल मिलती हैं, अच्छी बात है. और बैटरी के मामले में बात करें तो बैटरी में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. मैं इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं. आप लोग इसको डेली ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो. डिस्प्ले में आपको भाई बहुत सारे अपने हाइट्स नॉच करने के ऑप्शन और अपने वॉलपेपर डार्क थीम आप लोगों को देखने को मिल जाती है. इस बार स्टाइल थीम स्टाइल वॉलपेपर रियलमी ने प्रोवाइड करवाया, बट रियलमी नहीं, ये अलग जो उसके फाउंडर हैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उसके डेवलपर उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है. वॉलपेपर के सेक्शन में चलें तो आपको यहाँ पर लाइविंग यूनिवर्स वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो लाइव एज अ लाइव वॉलपेपर. बट आपको कमिंग अलाइव मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो, जैसे कि ये रहा अर्थ का लाइव वॉलपेपर. आप लोग अपने हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो, कितनी आपको स्पीड रखनी है और आपको अर्थ रखना है या मार्स रखना है, अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर मार्स रखा और आप लोग देखिए, आप लोगों को मार्स देखने को मिलता है. कोई भी दिक्कत आपको इस रॉम में होने वाली नहीं है. आपको इसमें जो गूगल का डायलर है, गूगल का मैसेजिंग ऐप देखने को मिल जाती है. साथ में आपको कुछ एक ऑप्शन देखने को मिलता है द इवॉल्वर, जो कि पर्सनलाइज है इस रॉम का, और इसमें आपको उसकी थीम, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग, पावर मेन्यू, गैसर, लॉक स्क्रीन, नेविगेशन, एनिमेशन और मिसलेनियस यानी कि गेमिंग मोड, आप लोगों को इन सबको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है. आप लोग अगर इस रॉम को यूज़ करें तो इस फीचर्स को मैं आपको 110% बोलता हूँ, यूज़ करने के बाद आप रियलमी यूआई के ऊपर शिफ्ट नहीं करोगे. और कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको वही फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस रॉम में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, बट अभी तक इस रॉम में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं मिला. तो वेट कीजिए, जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें आपको इसका जो फेस अनलॉक है वो ऐड कर दिया जाएगा. रियलमी 2 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और एंड्रॉयड 10 बेस देखने को मिलती है इसका. एंड्रॉयड 11 का अपडेट जल्दी आने वाला है, तो वेट कीजिए, उसकी वीडियो भी स्टे ट्यून है. कोई भी इश्यूज इस रॉम में नहीं है. बैटरी के मामले में भी अच्छी है, गेमिंग के मामले में भी, और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है. साथ में आपको कैमरा में इसमें प्री इंस्टॉल मिलता है, लेकिन कैमरा आपको थोड़ा इसमें ओल्ड देखने को मिलेगा. गूगल कैमरा और वर्क बहुत ही परफेक्टली तरीके से कर रहा है. एक पिक्चर्स यहाँ पर कैप्चर करें अगर हम लोग स्पैन की, तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर्स में भी कोई भी इशू होने वाला नहीं है. बट कभी कभी फोकस आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको रियलमी में भी करना पड़ता था. पिक्चर्स में भी कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया आपको पिक्चर्स क्वालिटी भी देखने को मिलती है. और फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैं आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पर ओपन कर दूँ. हाय गाइस, क्या हाल चाल है, कुछ इस टाइप का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है. लिटरली बहुत ही स्मूथ रॉम है, आप लोग इसको एज अ डेली ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो. लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यही सेम फीचर्स आपको
Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme XXT, Realme 6 Pro एंड Realme 7, 7i और 7 Pro में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आप लोग इसको यूज़ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या इश्यूज़ मिले और आपको क्या फीचर्स देखने को अच्छे लगे कि नहीं लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोगों ने अगर मेरी ओल्ड वीडियोज़ देखी होगी तो उन्हें मैंने बता रखी है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता के मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और ऐसी ज़्यादा खिंच खिंच मुझे अपनी वीडियोज़ में नहीं करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऐसे ही अपना बनाए रखना।